हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो ना बहुत बहुत अच्छी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जिस कंपनी के बारे में आपको अपडेट देना चाह रहा हूँ ना, अगर यहाँ पे आपका जॉब लग जाती है तो आपको अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। और उस बहुत एक अच्छी बात ये है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी यहाँ पे वर्क कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे है, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे आपको कोई भी इंटरव्यू वगैरह देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली भर्ती हो जाओगी और आप यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क करोगी या फुल टाइम करो, जितना वर्क करोगी उसी हिसाब से आपको पेमेंट भी मिलने वाला है। कितना पेमेंट मिलेगी, कितनी टाइम वर्क करने के लिए, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। ओके, और ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊँगा कि कैसे आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कैसे इस जॉब को आप क्रैक करके ना जॉब ले सकते हो। तो सारी की जैसी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्रीन शेयर करके। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो जॉब अपडेट आई है ना मेंटर मैच की तरफ से, यहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, सिंपल तो चीज़ें यहाँ पे ये है। यहाँ पे आपको मेंटरशिप करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा आपको और सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हु कैन अप्लाई, यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बीच आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। जितना वर्क करोगी उसी हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। बहुत अच्छी वर्क यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और उसके साथ ही और एक चीज़ है, यहाँ पे आपको वीकली पे आउट मिलेगी। जैसे इंडिया मार्ट के अंदर आपको वीकली पे आउट मिलता था, यहाँ पर भी आपको वीकली पे आउट मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलेज स्टूडेंट अगर आप हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब अगर अभी आप जॉब कर रहे हो वगैरह, जो भी वर्क कर रहे हो उसके बीच भी आप ये काम कर सकते हो। बहुत अच्छी काम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और उसके बाद और यहाँ पे आपको कौन, मतलब सारे की सारे लोग, बस ये जो कॉलेज स्टूडेंट या एम्प्लॉय वगैरह वो नहीं, और भी कोई अगर यहाँ पे चाहे तो अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 क्लास से लेकर 12वां तक आपको यहाँ पे ट्यूशन देना है, मतलब पढ़ाना है, वो भी ऑनलाइन। ओके, आपको कहीं पे नहीं जाना है, ये वर्क फ्रॉम होम रहेगी, लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम रहेगी। तो डेफिनेटली आप 8 क्लास ले लेकर 12वां क्लास तक आपको ऑनलाइन से पढ़ाना है, बच्चों को उनका डाउट क्लियर करना है आपको, बस इतना ही आपको काम रहेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट देखो यहाँ पे बेसिकली मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको इसी 4 सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ाना है। देखो एडवांटेज क्या है, अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो उसका एडवांटेज क्या रहेगा आपके लिए, अगर ट्यूटर बन रहे हो उसका एडवांटेजेस क्या रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अर्न फाइल इन कॉलेज, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तब भी आप अर्न कर सकते हो। अर्न अप टू 15,000 बाय सिंपल सॉल्विंग सब्जेक्ट मैटर डाउट बाय वर्किंग पार्ट टाइम। ओके, अगर आप कॉलेज वगैरह जा रहे हो तो अगर आप कभी भी टाइम मिलती है तो सिंपल यहाँ पे आप क्या करोगे, 15,000 आप अर्न कर सकते हो, वो भी पार्ट टाइम वर्क करके बहुत ईजिली। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिया गया है कि यू कैन स्टार्ट ट्यूटरिंग एट एनी टाइम ऑफ द डे। ओके, देखो यहाँ पे आपको कहीं से भी कभी भी आप वर्क कर सकते हो। ओनली आप मोबाइल फ़ोन से वर्क कर सकते हो, कोई लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह ज़रूरत है ही नहीं आपको। सिंपल आप कहीं पे भी हो, एनी हुयर एनी टाइम आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। ओके, और उसके बाद मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर माइंड बाय हेल्पिंग देम अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एंड डाउट। देखो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा डाउट सॉल्व करोगी आपके लिए भी अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गेट फेड वीकली, यहाँ पे आप वीकली बेसिस में पे आउट आपको मिल जा रहा है। तो डेफिनेटली आप जितना वर्क करते हो, जितना घंटे यहाँ पे स्पेंड करते हो, उसी हिसाब से आपको पे आउट भी मिल जाएगी। कितना पे आउट मिलेगी कितना घंटे काम करने के बाद, वहाँ पे भी मैं बता दूंगा इधर। ओके, ऑल यू नीड इज़ ए इंटरनेट कनेक्शन। ओनली आपको क्या यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, ओनली आपको इंटरनेट कनेक्शन की जो नीड है, और आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, बस इतना ही कर दो। इतना ही अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये जॉब आपके लिए है। और ये जॉब आप कैसे पा सकते हो उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, और स्क्रीनिंग प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल एंड हेल्प हैप्पीनेस विद इन 24 आवर। यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे 24 आवर के अंदर आपको
आप सिलेक्ट हुई हो या रिजेक्ट हुई हो, सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ओके, कैसे सिलेक्ट होगी मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। हाउ मच कैन यू अर्न एज एन ऑनलाइन ट्यूटर, अगर आप ऑनलाइन ट्यूटर बन जाते हो तो कितना आप सैलरी कमा सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मंथ में 40 आवर अगर आप देते हो, ओके सॉरी वीक में अगर 40 आवर देते हो, एक वीक के अंदर अगर आप 40 घंटे देते हो ना, तो सिंपल आप मंथली 32,000 यहाँ पे अर्न कर सकते हो। अगर वीकली यहाँ पे अगर आप 10 घंटे देते हो तो आपको 8,000 रुपीज़ मंथली मिल जाती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने घंटे काम करोगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और वीकली पेमेंट मिल रहा है। और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन प्रोसेस। देखो स्टेप 1 में आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और स्टेप 2 के अंदर आपका जो सारी की सारी डिटेल्स वगैरह रहती है उसे फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें रहती है, कुछ यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम वगैरह टाइप का कुछ रहती है, कुछ वीडियो देखना पड़ेगा और उसके बाद उसका आंसर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रहती है। MCQ टेस्ट रहेगा, उसको थोड़ा क्लियर मतलब बहुत ईजीली आप क्लियर कर सकते हो। कैसे क्लियर करोगे वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्टेप 3 के अंदर आपको 24 आवर के अंदर रिसीव योर कॉन्फर्मेशन विद इन 24 आवर, तो 24 आवर के अंदर आपकी जॉब हुई है या नहीं आप कंफर्म हो जाओगे। ओके, तो अभी आप क्या करोगे, आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे आप क्रैक कर सकते हो, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो। और जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दोगी वो ले जाएगी आपको नेक्स्ट पेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सिंपल स्टार्ट योर एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करोगी, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करोगी यहाँ पे आप और यहाँ पे आपको आपकी सारी की सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ओके, और आपकी 18 साल हुई है या नहीं वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आपका अभी क्वालिफिकेशन क्या है वो भी ऐड कर दो, ओके। उसके बाद हुआ डिड यू टेक कोचिंग इन क्लास 11 12, अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहो तो डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर दो, ओके। ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या जो भी यहाँ पे ऐड कर दो। और उसके बाद अगर इसे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ओके। अगर आप आपकी जो कोचिंग सेंटर वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह के नेम यहाँ पे ऐड करना चाहो तो डेफिनेटली ऐड करोगी। और यहाँ पे अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करो, नहीं तो आप फ्रेशर मेंशन करके छोड़ दो। आर यू एग्जिस्टिंग ट्यूटर ऑन डाउट एक्सपर्ट, अगर आप अभी एग्जिस्टिंग मतलब वर्क कर रहे हो किसी ट्यूटर के अंदर तो डेफिनेटली यस कर दो, ठीक है। प्लीज़ मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिलो, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली उनका नेम यहाँ पे मेंशन करोगे, नहीं तो यहाँ पे स्किप कर दो। और उसके बाद यहाँ पे कौन सी सब्जेक्ट, कौन सी क्लास के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हो तो डेफिनेटली वो पहले सिलेक्ट करो। अगर मैथ आप पढ़ाना चाहो, फिजिक्स पढ़ाना चाहो या केमिस्ट्री पढ़ाना चाहो या बायोलॉजी, जो भी आपको पसंद है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैथ बायोलॉजी में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली ये जो भी आपका पसंद है उसी हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कैन यू टीच द फॉलोइंग एग्जाम, अगर आपको देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप जेई नीट और स्कूल एग्जाम के बारे में पढ़ा सकते हो तो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। आप जो भी बेसिक्स है मतलब बेसिक अगर अभी आप करना चाहते हो तो सिंपल वो चीज़ ऐड कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है जेई नीट के बारे में भी वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। व्हिच लैंग्वेज आर यू फ्लुएंट विथ, देखो आप कौन सी लैंग्वेज फ्लुएंट में बात कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों सिलेक्ट कर लेना। हाउ मेनी आवर डू यू हैव पर डे फॉर टीचिंग, देखो कितने आवर आप दे सकते हो, सिंपल यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 to 3 आवर, जो भी यहाँ पे 5 आवर भी ऐड कर सकते हो, ओके। मान के चलो मैं यहाँ पे भर देता हूँ 5 आवर, ठीक है। व्हेन विल बी अवेलेबल टू क्लियर डाउट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, देखो यहाँ पे कौन सी टाइम रहेगी जिस टाइम के अंदर आप क्या कर सकते हो वार कर सकते हो, तो सिंपल 6 AM to 11 AM या 11 AM to 4 PM या 4 PM to जितने जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो टाइम यहाँ पे आप मेंशन कर लो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं यहाँ पे ये टाइम मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये टाइम को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट द ऑल द डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स दैट यू हैव, आपके पास कौन सा डिवाइस है, सिंपल मैं यहाँ पे वाईफाई ब्रॉडबैंड और लैपटॉप सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास आईपैड या टैबलेट है वो भी आप ऐड कर देना। और उसके बाद KYC वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, अभी आपकी आधार कार्ड की नंबर यहाँ पे मेंशन करो और आपकी KYC वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की फ़ोटो यहाँ पे ट्रैक
ड्रॉप करना पड़ेगा, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो जैसे ही आप आधार कार्ड अपलोड करके नेक्स्ट करोगी तो वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स दिया गया है कि कैसे आप नेक्स्ट स्टेप की क्रैक कर सकते हो, कैसे आप नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर सकते हो, सब भी चीज़ें। तो इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता नहीं रही हूँ, आप खुद देख लेना, क्योंकि वो भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।